तो हेलो दोस्तों, यदि किसी फोटो को या कोई भी ऑब्जेक्ट उसे किलो इफेक्ट दे रहा है तो सिंपल तरीका है फोटोशॉप में किलो इफेक्ट देने का। तो वीडियो में बने रहिए तो आपको बताता हूँ किलो इफेक्ट कैसे दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको फोटो तलाशना है जिसके और उस ऑब्जेक्ट को तलाशना है जिस पे आपको किलो इफेक्ट देना है। तो उसके बाद आपको जाना है सिलेक्ट पे, उसके बाद कलर रेंज पे, और जिस ऑब्जेक्ट को ग्लो इफेक्ट देना है उसे आपको क्लिक करना है। सिंपली उस फोटो पे जाके उसे क्लिक करना है। तो एक कलर है जो एक जैसा कलर है, जिस कलर को आपको ग्लो देना है वो मतलब सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इस फूल के चारों ओर जो कलर है उसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसे ग्लो इफेक्ट देना है। बीच में ये येलो है उसे ग्लो इफेक्ट मेरे को देना नहीं है तो उसे छोड़ रहा हूँ। तो आप देख रहे हो आ जो पीछे भी एक जैसा कलर है उस वो भी सिलेक्ट हो चुका है, बट आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको वो बाद में हटा देना है। ओके करना है, सिंपली ये सिलेक्ट हुआ है और संग में पीछे भी सिलेक्ट हो चुका है, उसे लासो टूल से हटा देंगे। तो आपको सिंपली इसको जो सिलेक्ट है अदर एरिया उसको ऐसे करके उसको हटा देना सिंपली। और ये बीच में भी कुछ आ गया है तो इसे भी हटा देंगे। ओके, तो ये सिलेक्ट हो चुका है हमारा फूल, तो हम इसको ग्लो इफेक्ट देना है। तो करना क्या है, आपको एक डुप्लीकेट लेयर बनानी है कंट्रोल जे से। उसके बाद आपको नॉर्मल मोड चेंज करके लीनियर डॉज पे क्लिक करना है सिंपली। फिर आपको जाना है फिल्टर पे, फिर आपको जाना है ब्लर पे, फिर जाना है गॉसियन ब्लर। सबसे पहले आपको अपने हिसाब से मैं 10 ले लेता हूँ। ओके, 10 ले लिया तो ब्लर होने लगा है, आपको दिख रहा है पहले ऐसे था और अब थोड़ा ब्लर हो गया। ओके, अब कंट्रोल जे करेंगे तो ब्लर होना स्टार्ट हो चुका है। कंट्रोल जे के बाद फिर आपको फिल्टर पे जाना है दोबारा, गॉसियन ब्लर। अब आपको थोड़ा रेडियस और ज़्यादा करना है, 100 के समथिंग कर लीजिए। ओके, 135, चलो 121 ठीक है। फिर आपको कंट्रोल जे, जितना आपको ग्लो देना है उतना आपको डुप्लीकेट लेयर और गॉसियन ब्लर का यूज करना है। फिर आपको गॉसियन ब्लर करना है, इतना ठीक है, ठीक है 332। हाँ, अब ब्लर हो चुका है हमारा ऑब्जेक्ट। अब इन जो तीन लेयर थे उनको ग्रुप में ऐड कर दीजिए। और जो सबसे बैकग्राउंड लेयर थी, हाँ ऐसे ग्लो इफेक्ट तो दिख रहा है बट ज़्यादा नहीं दिख रहा, उसके लिए आपको बैकग्राउंड में कर्व लेनी है। कर्व को थोड़ा हल्का डार्क करना, थोड़ा डार्क ज़्यादा नहीं हल्का। ओके, डार्क के बाद करना क्या है आपको, आपको ग्रुप पे जाना है, ग्रुप के ऊपर कर्व लेनी है और क्लिपिंग मास्क कर देना है, जो कि ये जो इफेक्ट है हम कर्व का वो सिर्फ जो फूल है हमने जो एरिया सिलेक्ट किया है उस पर ही लगे। आपको उसकी ब्राइटनेस बढ़ानी है थोड़ी, थोड़ा और चमके। ओके, अब इसमें कलर थोड़ा नहीं है तो कलर को डालने के लिए हमें करना क्या है, सेचुरेशन पे जाना है, उसके बाद आपको कलर करना है सिंपली। आप पहले क्लिपिंग मास्क कर लीजिएगा, थोड़ा डार्क कर लाइटनेस से थोड़ी डार्क की तरफ ले जानी है जैसे कि कलर हमको दिखने लगे। ओके, ये फूल पे ग्लो इफेक्ट आ गया है। तो पहले कैसा था, पहले आपको दिख रहा था सिर्फ ऐसा था, अब ग्लो इफेक्ट आके ऐसा लगने लगा है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक फाइक मार दीजिए आपका मन चले तो। और अगली वीडियो जल्दी लाऊंगा, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।
बंद क्यों नहीं हो रहा? अब होगा।